जेल से बाहर आते ही आदिल खान ने खोल दी है राखी सावंत की पोल पट्टी। राखी सावंत के एक्स हस्बैंड आदिल खान जेल से बाहर आ चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पैप्स के साथ बात की थी और कहा था वो मीडिया के साथ पीसी करेंगे जिसमें राखी के बारे में सब कुछ बताएंगे। और अब उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू में राखी सावंत के खिलाफ बहुत सी चीजें फैंस को बताई हैं कि किस तरह से राखी सावंत मीडिया का फेम चाहती थी और इसलिए उन्होंने आदिल को फंसाया है। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं बी टाउन की ड्रामा क्वीन कही जाने वाली राखी सावंत एक बार फिर से खबरों में छा गई हैं। वो सुर्खियों में आ गई हैं। साथ ही आदिल खान जेल से बाहर आ गए हैं और आदिल खान ने हाल ही में एक मीडिया को लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है जिसमें आदिल खान ने राखी सावंत पर तमाम इल्जाम लगाए हैं कि किस तरह राखी सावंत लोगों को अपने जाल में फंसाती हैं, झूठा रोने का ड्रामा करती हैं। जी हाँ, लेटेस्ट इंटरव्यू में आदिल खान ने राखी को राखी जी कह के पुकारा और कहा राखी जी ने पहले मुझे फेम दिया, फिर मुझे फंसाने की कोशिश की। वो बंदी मीडिया के लिए कुछ भी कर सकती है, उसको सिर्फ मीडिया फेम चाहिए होता है, इसलिए वो मुझे भी फंसाना चाहती थी। लेकिन जब मैंने इन चीजों से इनकार किया तो उसने मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और खुद अकेले जाके मीडिया फेम बटोरने लगी। मैंने अपनी एक्स से लेके हर चीज के बारे में उसे पहले ही बता दिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी और जानबूझकर मेरी एक्स को लेकर, मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल खबरों को लेकर उसने मीडिया से बातचीत की ताकि उसे फेम मिल सके। आदिल आगे कहते हैं कि वो सिर्फ मुझे परेशान करना चाहती थी, मेरे खानदान को, मेरी फैमिली को बदनाम करना चाहती थी। राखी मुझसे 19 साल बड़ी है। अब तक उसने रितेश से डिवोर्स भी नहीं लिया है। रितेश से वो अब भी बात करती है और उसको मैंने कई बार देखा है कि वो बोलती हुई नजर आई है कि रितेश सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैंने आदिल खान से शादी कर ली, अब मैं पछता रही हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह राखी सावंत ने उनके न्यूड वीडियोस को शूट किया हुआ है जिसको लेकर वो उन्हें धमकाती रहती हैं। आगे आदिल खान ने ये भी बताया है कि मैं उनकी माँ का फेवरेट था, अपनी माँ के नाम पर भी वो पैसे लूटती हैं। मैंने उनकी माँ की बहुत हेल्प की थी। उन्होंने ये भी बताया कि अपनी माँ के लिए वो फंडिंग मांगती हैं और उन पैसों से अपने ऐश मौज पूरे करती हैं। साथ ही उनका ये भी कहना था कि राखी ने एक बार ये खबर फैलाई थी कि सलमान ने उन्हें कॉल किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे आज तक सलमान खान का कोई कॉल आया ही नहीं है। और बात रही मिसकैरेज की, तो आज तक राखी का मिसकैरेज हुआ ही नहीं क्योंकि वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मुझे बस अब जस्टिस चाहिए और मैं जनता से चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दे और राखी सावंत को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो देखा भैया आपने किस तरह से राखी सावंत पर आदिल खान अब भड़के हुए हैं। वेल, फैंस को इंतजार है कि कब आदिल खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फैंस से रूबरू होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई तमाम अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से इसे भी फॉलो करें।